गुड मॉर्निंग ऑल। आज तो गंगा, क्या प्लान है आज का और क्या है स्पेशल आज का? आज का स्पेशल ये है कि आप देख सकते हैं ये जो पपाया है, अब जब ये येलो पैचेस आने लगते हैं ना बॉटम में, माने ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। यू कैन कीप लाइक यू नो 1-2 डेज, दिल कन्वर्ट लाइक दिस येलो को, ठीक है? ये पूरे पक गए, खाने के लिए रेडी है। ये पूरे खाने के लिए कंप्लीट रेडी है। ऑर्गेनिक, बहुत ऑर्गेनिक है एकदम, मतलब विदाउट एनी केमिकल। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक के मैंने जो भी गार्डनिंग किया है, हाँ, उसमें हम लोगों ने कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है, नो फर्टिलाइजर। हाँ, जो वो कीटाणु मारने की दवाइयाँ होती है वो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उसकी जगह पे मैं चिली का, जो ग्रीन चिलीज होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट और गार्लिक को पीस के, बेबी का जो शैम्पू होता है ना, बेबी शैम्पू, वो मिक्स करके पूरा थोड़ा वाटरी करके उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो दिस इज़ ऑर्गेनिक बैक्टीरिया किलर बोल के हम लोग यूज़ करते हैं। आप इधर आएंगे तो मेरा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे मिंट है, ये मिंट है, हाँ ये मिंट है, पुदीना, ये मैंने एक एलोवेरा, एक तुलसी, एक एलोवेरा, एक तुलसी का मैंने यहाँ से लाइन लगाया हुआ है। अभी एक ही ख़त्म हुआ है करना, अभी कल दूसरा करेंगे, क्योंकि यहाँ से पूरी हवा जो है हमारे घर में घर में जाती है। दैट इज़ लाइक एलोवेरा इज़ अ प्यूरीफायर, है ना, फॉर एवरीथिंग, फॉर एनवायरमेंट। फॉर ये है मेथी, आप देखते हैं छोटी मेथी आ गई है। अब आपको चाहिए तो आप अभी निकाल सकते हैं, चाहे इसको बड़ा होने तक का वेट करें। अब इसके बाजू में जो है मेथी के बाजू में, हम लोगों ने ना अलग अलग सीड्स अभी नर्सरी के लिए लगाए हुए हैं, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, फिर ब्रोकली है, इन सबको हम अक्टूबर में आराम से लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी नर्सरी डाल के रखा, और थोड़ा बहुत धनिया डाला हमने उधर, पेपर, बेल पेपर। और फिर यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, ये लाइन है प्याज की, आप देख रहे हैं वहाँ पे प्याज आया हुआ है छोटा। फिर प्याज के बाद में है आलू, आलू के बाद में है लहसुन, लहसुन आ चुका है ऑलरेडी। आप इसको अभी अगर तोड़ेंगे और ग्रीन चटनी में डालेंगे तो सेम लहसुन का ही फ्लेवर है, लीव्स की ग्रीन चटनी। यहाँ पे बुडमल की नर्सरी तैयार हो रही है। बुडमल इज़ काइंड ऑफ अ बिग राउंड कुक्यूम्बर, है ना। अभी ग्रीन चिली का तो ये वाटर की वजह से पूरा थोड़ा ख़राब हो गया, पानी वानी भर गया, तो देखना पड़ेगा और 5-10 डेज देख के वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे जो है वो लॉन्ग ब्रिंजल्स हैं, जो बड़े लंबे वाले वो होते हैं ना, क्या होते हैं, बैगन, बैगन वो। अब ये जो है हम लोगों ने ना, मेरे बेटे ने यहाँ सरसों डाला हुआ था, अब ये पानी इतना पड़ा है कि वो सरसों के बीजे अंदर। हम लोग हैदराबाद में हैं तो हैदराबाद में बारिश हो रही है आजकल, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा। राइट राइट, काफ़ी नुकसान हुआ, तो ये पूरा दब गया। ये है बरबटी के फली की बेल, वो है लास्ट में करेले की बेल। यहाँ पे हम लोगों ने ना ये लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं, धनिया, धनिया पत्ती, ये बैगन, अदरक, और ये मेरा कंपोस्ट है जो मैं आपको बताई ना, ऑर्गेनिक जो पपाया रेडी हुआ है, पपाया पम्पकिन। यहाँ में इतना ये कंपोस्ट के पास एकदम ज़्यादा स्मेल आती है। ये कंपोस्ट हम लोग का रेडी है, थोड़ा बस अब 10 डेज में रेडी हो जाएगा ये कंपोस्ट, ठीक है। और वो आप देख सकते हैं मेरा दूसरा पम्पकिन, तीसरा वाला नीचे लटक रहा है, वो पम्पकिन है, ये कंपोस्ट है, हाँ ये कंपोस्ट है। अभी इसमें सूखी वाली पत्तियाँ डालनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अब सब कुछ गीला हो गया है हैदराबाद में फ्लड की वजह से, हाँ नीचे पम्पकिन लटक रहा है। और इधर इधर पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट वो कुछ 3-4 kg का पम्पकिन है। अब मैं बताती हूँ बार्टर सिस्टम के बारे में। अच्छा, बार्टर सिस्टम के बारे में, एक सेकेंड, क्या बताना चाहते हो तर्फ? ये सब अभी के ही आने वाले दिन में लगाए हैं। ये देखिए व्हाइट करेला आ गया है, हाँ, इसमें अभी से हम लोग नर्सरी तैयार हो गई थी तो हमने निकाल के लगा दिया है। ये यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा फेवरेट फूल का प्लांट मैरीगोल्ड डाल दिया अभी, आज सुबह ही डाला। और यहाँ पे अब व्हाइट करेला की नर्सरी तैयार हो गई, ठीक, और इन सबको आने टाइम लगेगा। और इधर भी आप देखिए, इधर मैंने पहले भी मैरीगोल्ड लगाया था,
पर वो पानी की वजह से नहीं उग पाया, सारे जंगली झाड़ आ गए, इसलिए मैं उधर फिर से उगाया मैरीगोल्ड। अच्छा, जिधर आपको मैंने बताया। अब इधर हाँ, अब इधर सोया पालक सब कुछ है, और जो यहाँ पे हमने टमाटर उगाया है वो विदाउट सीड्स है, ओनली हम लोग टमाटर के स्लाइसेस। और इधर गोभी उगाया है, फिर से मेथी आ गई, ये मेथी थोड़ी खराब थी इसलिए ऐसे हो गई। फिर से ये सब हमने ग्लासेस में पेपर बेल भी उगाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा कंपोस्ट, वहाँ पे भी कंपोस्ट तैयार हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे और तो हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ पे भी। और ये पान की बेल पता? हाँ, पान की बेल देखिए कितने फैल गया अभी, तो ये पूरा फैल गया था। हमारे गार्डनर ने उनको उधर हटा दिया, और ये हमारी एक बड़ी सबसे बड़ी बेल इन आवर हाउस, सबसे ऊपर तक लटकी हुई।